वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरी जनी 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन प्यारे भाई प्यारी बहन, संत पौलुस कहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर चलें जिससे कि हमें दया मिले और वो दया हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। इसलिए मन ही मन कहते जाइए, आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय को मेरे मन को आलोकित कीजिए, प्रभु के वचन को सुनने और समझने की कृपा दीजिए, प्रभु के वचनों की व्याख्या मेरे लिए कीजिए। पवित्र आत्मा अपनी आग से मुझे भर दे, अपनी प्रेरणा से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा मेरे मन को आलोकित कर, पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लीजिए, पवित्र आत्मा हमें संचालित कीजिए, पवित्र आत्मा हमें शांति प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान का वरदान दीजिए, पवित्र आत्मा हमें सहनशीलता और प्रेम का वरदान दीजिए, पवित्र आत्मा हमें भविष्यवाणियां करने का वरदान दीजिए। ये तमाम वरदानों से आज वो आपको भरे, आपके घर में विराजे और आपको शांति प्रदान करे। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। खाली दामन है, खाली कहां से है, hey।
अपना रूप भेज दे खुदावंद भेज दे खुदावंद भेज दे अपना रूप। ग्रहण कीजिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, ग्रहण कीजिए जैसे वो चेलों के ऊपर उतरा और चेलों के सारे बंधन टूट गए। वो आग के रूप में उनके ऊपर उतरा और उन्होंने उनकी वाणी को और उनके शरीर को शुद्ध किया, मन के विचारों को शुद्ध किया, बंधन खुल गए उनके। पहले वो पूछते थे कि हम में बड़ा कौन है, परंतु अब वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, प्यार की भाषा, सहनशीलता की भाषा, क्षमा करने की भाषा, एक दूसरे को सहन करने की भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा हमें यूं ही नया बनाता है, इसलिए वचन हमें कहता है, प्रभु कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, उनके बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज की इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान प्रभु हमसे बातें करने जा रहा है, वो पवित्र आत्मा इन रहस्यों को हम पर प्रकट करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज प्रभु ने एक विशेष विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए कहा, और वो ये है कि मेरे बच्चों से कहना, यदि ये चंगे हो जाना चाहते हैं, यदि ये स्वतंत्र हो जाना चाहते हैं, तो ये एक दूसरे को क्षमा कर दें जैसे मैंने इन्हें क्षमा किया है, ये एक दूसरे को क्षमा कर दें जैसे मैंने इन्हें क्षमा किया है। क्षमादान देना एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी औषधि है जो हमारे जीवन में संजीवनी का कार्य करती है, मतलब फिर से हमें नया बनाती है, हमारे मन आत्मा हृदय को। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है, उसका खून अंदर ही अंदर सूखता रहता है, वो अपनी ही अनेक प्रकार के अपराध बोध में क्षमा करने नहीं करने की अवस्था में अपने आप में कुड़ता रहता है, और इसी के कारण वो नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। कुछ एक लोगों की आदत है दूसरों को नीचा गिरा के अपने आप को ऊंचा उठाने की। आज प्रभु कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया है। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस ऑफ गॉड द फादर शोन थ्रू जीसस क्राइस्ट, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने जो हमें क्षमा प्रदान किया उसके लिए उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। इजरायली जनता, पिछले दिनों से हम चर्चा करते आ रहे हैं, बार 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 आज्ञाओं का उल्लंघन करती रही और परमेश्वर उन्हें बिना शर्त के क्षमा करता गया, क्षमा करता गया। तो आज व्यक्ति रोगी है, कैसे रोगी है, पाप के कारण। पाप क्या करता है, आत्माओं का विनाश करता है, इसलिए पाप एक आत्मिक रोग है। पाप एक आत्मिक रोग है जो हमें आत्मिक रूप से अंधा बना देता है, हमें आत्मिक अंधकार में ले जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। आज व्यक्ति रोगी है क्यों, अपने अपराधों के कारण, क्योंकि उसने पाप का, अपराध का बोध खो दिया है। आधुनिक पाप यह है प्यारे भाइयों और बहनों कि इंसान अपराध का बोध खो चुका है, इसलिए वो हर चीज को यूं ही बहुत हल्के में लेता है, जिनसे वह समझौता नहीं कर पाता है। तो अपराध बोध वाले व्यक्ति को यदि कोई ये विश्वास दिला दे कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं तो वह स्वस्थ हो जाएगा। अर्धांग रोगी के विषय में, जिसे कुछ लोगों ने गांव के चार लोगों के द्वारा चारपाई पर उठवाकर यीशु के सामने लाया गया, घर के भीतर जाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, घर के खपटे खोल दिए,
छत को खोल दिया और ऊपर से चारपाई को यीशु के सामने जहां वो खड़े थे घर के अंदर वहां पर उतार दिया। कितने वर्षों से वो चारपाई पर पड़ा हुआ था, कोई उसे ये विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं रहा कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तू उठ और चल फिर। वो घर के चारपाई पर पड़ा रहता था, ना जाने कितने लोग आकर उसको सांत्वना देते होंगे और कई लोग तो उसका मजाक बनाकर गए होंगे। उसने कितने लोगों की बुराई को सुना होगा और लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा, अरे भाई तुमसे कहा था ऐसा मत करो लेकिन तुम तो मानते ही नहीं थे, अरे भाई लगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दिया है, लगता है कि तुम ऐसा करते थे इसलिए तुम्हारी जिंदगी में ये आ गया है। लेकिन कोई उसे ये विश्वास नहीं दिला पाया कि कोई है जो तेरी जिंदगी के पापों को अपराधों को क्षमा कर सकता है। तो यदि अपराध बोध वाले व्यक्ति को कोई ये विश्वास दिला दे कि उसके पाप क्षमा हो गए और परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाने वाला, जिसने मनुष्य को बनाया, जो मनुष्य के हृदय की थाह लेता है, उसे प्रेम करता है, वो क्षमा कर सकता है, उसको नया बना सकता है, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए अर्धांग रोगी से सबसे पहले प्रभु यीशु ने यह कहा देखते ही, क्योंकि यीशु हृदयों की थाह लेता था इसलिए वो जान गया कि इसकी बीमारी का कारण क्या है। और जैसे ही उसकी ओर देखा उससे कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए। शायद वो इसी बात के इंतजार में रहा, शायद वो अर्धांग रोगी अपने ही अपराध बोध के कारण बीमार था और अपना पूरा भरोसा और विश्वास वो शायद खो बैठा था कि अब मैं चल फिर नहीं सकता हूं, मेरी पाप के कारण यही मेरी दुर्गति है, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैव गिवन अप, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। जब इंसान ऐसे विचारों से होकर गुजरने लगता है तो उसका मोह भंग होने लगता है, मायूसी आने लगती है, डिल्यूजनमेंट उसके शरीर पर, दिमाग पर, आत्मा पर हावी होने लगता है और उसको चीजों से, लोगों से, प्रभु से क्या कर देता है, उसका मोह भंग कर देता है। जब उसके अंदर इस प्रकार का डिफीट आने लगती है, फिर वो धीरे से अपने आप को पराजित महसूस करता है और इस पराजय के कारण वो धीरे से डिस्करेज हो जाता है और डिप्रेशन में जाने लगता है। और जैसे जैसे वो डिप्रेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, उसके जीवन में अंधकार छाने लगता है। लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, इसलिए मैंने कहा ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति ये उसको बता दे कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगे, क्योंकि जिस पर तुम विश्वास करते हो वो जिंदा है, वो तुम्हें जीवन दे सकता है, तो उसका जीवन बदल जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज कई लोग बीमार हैं, जानते हैं क्यों? दूसरों को देख के बीमार हैं, दूसरे की खुशी से बीमार हैं, दूसरे की नौकरी से बीमार हैं, दूसरे के गोरेपन से बीमार हैं, इसलिए उससे चिढ़ते हैं, दूसरे के घर को देखकर बीमार रहते हैं, हाय मेरा नहीं बना उसका बन गया है। इस प्रकार के जो भाव जिंदगी में रहते हैं तो ऐसे लोगों को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है। तो दूसरों को देखकर लोग बीमार हैं, मन के कुंठित विचारों के कारण बीमार हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाना इसके कारण वे बीमार हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कभी कभी पति और पत्नी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं और हर बार हर वक्त आगे पीछे पड़ोसन के साथ, पड़ोसी के साथ एक दूसरे की बुराई करते हैं, बच्चों की बुराई करते हैं। इसलिए मैं कई मर्तबा जब आपको परिवारों के विषय में समझाने का प्रयास किया तो
तो मैंने आपसे कई बार कहा, यीशु के नाम पर कभी भी अपने पति की बुराई पड़ोस में जाकर ना करें, कभी भी अपनी पत्नी की बुराई पड़ोस में जाकर ना करें, कभी भी अपने बच्चों की बुराई पड़ोस में या किसी व्यक्ति के साथ या उनके मित्रों के साथ ना करें। बच्चे कभी भी अपने माता पिता की बुराई अपने मित्रों के साथ या पड़ोसियों के साथ ना करें, क्योंकि नकारात्मकता की दुष्ट आत्मा उस जगह पर कार्य करती है और वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, वो आपको डिस्ट्रॉय कर दी। पर इसके विपरीत आप एक दूसरे के लिए क्षमा करें, एक दूसरे के सामने संत पौलुस कहता अपने पापों को आप स्वीकार करें, एक दूसरे को आप सहन करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। क्योंकि संत पौलुस कहता है योहन के कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में कि आप एक दूसरे को सहन करें, यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो वो एक दूसरे को क्षमा करे, क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कलोसियों का पत्र, कलोसियों का पत्र अध्याय 3 अध्याय पद संख्या 13 पद संख्या 13 आप एक दूसरे को क्षमा करें, आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को सहन करें, यदि किसी को, यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो, शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को, प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया आप है। लोग भी, आप लोग भी ऐसा ही किया करें, ऐसा ही किया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्षमा करना एक औषधि है, एक औषधि। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, अच्छे से सो सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से विचार कर सकते हैं। आपके मन में ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष का भाव समाप्त हो जाता है। आप सत्य को जानने लगते हैं, आप ईश्वर के नजदीक आने लगते हैं, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलने लगते हैं, ईश्वर की आशीष आपके जिंदगी में बहने लगती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रवक्ता लिखता है अध्याय 28 पद संख्या 2 में, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, सास ससुर के प्रति, मम्मी पापा के प्रति, पड़ोसियों के प्रति मन में क्रोध बनाए रखता है तो परमेश्वर से क्षमा पाने की आशा वो कैसे कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1-2 में कि तुम दोष न लगाओ और तुम पर भी न लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सबके लिए वो स्केल जो है परमेश्वर का, वो प्यारे भाइयों और बहनों बराबर है, वो बराबर है। आज कई घरों में अगर शांति नहीं है, अगर उन्नति नहीं है, अगर प्रार्थना नहीं है, तो उसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। इसलिए शाम को एक साथ बैठकर खा नहीं पाते हैं, शाम को एक साथ बैठकर चर्चा नहीं कर पाते, शाम को एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों वहाँ पर झगड़ा है और इस झगड़े के कारण वो घर बर्बाद हो चुके हैं, वो घर बर्बाद हो चुके हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं और याद करें, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर, प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़े गर्व के साथ अपने चढ़ावे लेकर प्रभु के पास जाते हैं,
जिसके पास जितना है हैसियत के अनुसार वो अपना चढ़ावा चढ़ाता है, मन्नतें लेकर जाता है, और हम वेदी के सामने घुटना टेक कर अपना चढ़ावा चढ़ाकर आते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मुझे ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने भाई से शिकायत है, तुमने उसे क्षमा नहीं किया और तुम मुझे चढ़ावा देने के लिए आए हो, मेरी महिमा में गीत गाने के लिए आए हो। जाओ, यदि तुम्हें याद आ जाए वेदी के सामने कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तो अपना चढ़ावा वेदी के पास सामने छोड़ दो और सबसे पहले जाओ और उसके साथ समझौता करके आओ, उसे क्षमा करके आओ। कहता है तू उसे क्षमा नहीं करता और मुझसे क्षमा पाने के लिए तू यहां पर आया और तुम मुझे भेंट चढ़ा रहा, घुटना टेक के माफी मांग रहा, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे कर दूं जब तू ही अपने भाई को क्षमा करने में असमर्थ है? लिखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 से 24 में, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे और वहां तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई से मेल करने जाओ, और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़ दो और उसे समझौता करने के लिए जाओ। हम गुड फ्राइडे में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं, पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु के अंतिम ब्यालू के भोज में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग 12 चेले बनेंगे जिनके पुरोहित पैर धोएगा, प्यारे भाइयों और बहनों, और जिनके नाम कलीसिया में या चर्च में सिलेक्ट किए जाएंगे, उस वक्त उस सेंचुरी के ऊपर बैठकर पैर धुलवाने के लिए इन व्यक्तियों को सच्चे हृदय सच्चे मन से अपने हृदयों को सबसे पहले धोकर वहां पर आना होगा, अपने भाई या पत्नी या बेटे या बेटी को क्षमा करना होगा, उनका धार्मिकता का जीवन उनके आगे आगे चलने वाला होगा। तब प्यारे भाइयों और बहनों आप वहां पर पहुंचे और पुण्य बृहस्पतिवार के दिन वहां पर पुरोहित से अपने पैर धुलवाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने एक संदेश दिया है कि मैंने तुम्हारे साथ किया है, इसलिए तुम्हें भी एक दूसरे के साथ करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा देने वाला एकमात्र प्रभु है प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इसके विषय में बाइबल हमें कहती है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 47 से 49 में कि इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए क्योंकि इसने बहुत अधिक प्यार दिखाया है। तो क्षमा प्राप्त करने का जो दूसरा उपाय है वो क्या है? अधिक प्यार दिखाना। पहला उपाय क्या? प्रभु ने कहा सबसे पहले तुम दूसरों के पाप क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दूसरा उपाय बाइबल बता रही है, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्यार दिखाया है इसलिए इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। क्यों ऐसा कहता है? मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 10 में कहता है, क्योंकि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, और वो अधिकार उसने अपने चेलों को दिया और कहा कि जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। गांव गांव में जाकर लोगों को चंगा करो, सिर पर हाथ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, अब दूतों को निकालो, ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो, प्रायश्चित की घोषणा करो, अब प्रभु की ओर लौटने का उन्हें आह्वान करो और बोलो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सबसे पहले प्रभु ने इसी वचन से अपनी सेवकाई की शुरुआत की कि प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्षमा करो, तुम्हें भी किया जाएगा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो आज जितने भी लोग इस वक्त प्रभु का ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बातें कर रहा है अपने दास के माध्यम से, क्या आप तैयार हैं एक दूसरे को क्षमा करने? पति पत्नी,
आप लोग शायद हंस रहे होंगे इस वक्त, ये तो बहुत कठिन है, कैसे इसको क्षमा कर दूं, ये तो बोलती बहुत है, ये तो बोलता बहुत है, मेरी बात नहीं मानता है, आज तक मेरी सुनी नहीं है, ये बच्चे तो हमें काट खाने को दौड़ते हैं, इन्हें कैसे क्षमा कर दूं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा करके देखिए, क्षमा करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, प्रभु आपका भाग्य पलट देगा, आपके घर में प्यार बहने लगेगा, आपके घर में उन्नति आने लगेगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कब आप बदल गए, और लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है कि जो लोग इतना लड़ते थे अब दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह आप पर प्रकट होगा, ये उसका वादा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप करके देखना, क्योंकि क्षमा करना, क्षमा देना, ये संजीवनी का काम करता है, ये आपके घर को उन्नति प्रदान करेगा, आत्मिक रूप से आपको आगे बढ़ाएगा, और आप शैतान का सामना करने में समर्थ होंगे, उसके अग्निमय बाणों को बुझाने में समर्थ होंगे, क्योंकि उसका एक जाल, उसका एक फंदा ऐसा भी है कि इनको लड़ाते रहो, इनको लड़ाते रहो, ये घर कभी एक ना हो जाए, ना प्रार्थना में एक साथ बैठे, ना भोजन में एक साथ बैठे, ये अपना काम करे, जब कोई प्रार्थना होगी तो पति उठ के बाहर जाएगा, बच्चे कहीं और जाएंगे, बेटा कहीं और चौक पे जाकर मोबाइल पर बात करके मित्रों के साथ घर वापस आएगा, खाना हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगी, उसके बाद आएगा और खाएगा। यह शैतान की दूसरी ट्रिक है, इसलिए संत पौलुस कहता है हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, इसलिए हम उसके फंदों में पड़ना नहीं चाहते। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? क्या आप पढ़ना चाहते हैं उसके फंदों में? बहुत से लोग पड़े हैं, इसलिए अपने घर में देखिए, आपके बेटे और आपकी बेटियां, आपके बच्चे क्या आपके साथ बैठते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, उसका एकमात्र कारण यह है कि प्रभु ने जैसा कहा था आपने वैसा नहीं किया। उसने कहा निर्गमन ग्रंथ में, व्यवस्था विवरण में, वेदी विवरण ग्रंथ में, कि तुम मेरी इन बातों को जिन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है अपने बच्चों को बताओ, संहिता के वचन की चर्चा किया करो, उठते बैठते, राह चलते, लेटते समय इनकी चर्चा किया करो, दीवारों पर लिखो, चौकटों पर लिखो, घर आने पर, घर से बाहर जाने पर, दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए बच्चों को सिखाना, बचपन से सिखाना, बड़े होने के बाद नहीं, बचपन से सिखाना। प्यारे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करेगा, क्योंकि आज वो आपको ब्लेस करना चाहता है। क्षमा का आधार प्रभु यीशु मसीह है, क्षमा का माध्यम भी प्रभु यीशु मसीह है, क्षमा उसी के द्वारा इस दुनिया में आई है, प्रायश्चित उसी के द्वारा इस दुनिया में आई। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 38, भाइयों आप अच्छी तरह समझ लो कि जो संदेश आप लोगों को सुनाया जा रहा है वो यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को क्षमा प्राप्त होगी। ईसा के द्वारा आप लोगों को क्षमा प्राप्त होगी, इसलिए यह वही संदेश आज आपको परिवारों को सुनाया जा रहा है, और प्रभु आज आपसे फिर से वही बात कर रहा है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 78 पद संख्या 38 में, दया सागर प्रभु ने उनका अपराध क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया, उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया और उसने उसे भड़कने नहीं दिया, उसने उसे भड़कने नहीं दिया। जानते हैं क्यों? कहता है मैं इज़राइल, इब्राहिम, इसहाक का ईश्वर हूं, मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं, प्रभु मेरा नाम है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? उस नाम के कारण कहता मैंने अपना क्रोध तुम पर भड़कने नहीं दिया, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कब का हो गया होता, कब का तुम्हारा सर्वनाश हो गया होता। ये बाइबल हमें बताती है, वो प्रभु जिस पर हम प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास करते, ईमान रखते हैं, तो पापों की संपूर्ण क्षमा जो है वो प्रभु यीशु से हमें मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु पाप को पूर्ण रूप से क्षमा करता है। वो 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं, 100% आपकी गलतियों और कमजोरियों और पापों को वो क्या करता है? क्षमा करता है। इसलिए जब पाप में, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को उसके पास लाया गया तो उन्होंने अभियोग लगाया, देखिए मूसा की संहिता के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार देना लिखा गया है,
यीशु कुछ नहीं बोले, उन्होंने लोगों की ओर देखा, नीचे धरती पर बैठ गए और उंगली से धरती के ऊपर कुछ लिखने लगे। कई व्याख्याएं हैं कि यीशु ने लोगों के पाप वहां पर लिखने शुरू किए। सब लोगों ने देखा, अरे ये तो मेरा पाप लिख रहा है, इसलिए वहां से वो देख देख के छोटे से लेकर बड़ा तक वहां पर भाग गया। प्रभु ने उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहला पत्थर इसे मारे। तो संत पौलुस क्या कहता है, रोमियो के पत्र अध्याय 3:23 में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया, सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित, तो फिर दोष क्यों लगाना। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 8:46 में पढ़ते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो, तो तुम दोष क्यों लगाते हो। जब तुम्हारी अपनी ही आंख में धरन है तो अपने भाई की आंख में तिनका क्यों देखते हो। अपने हृदय को झांक कर देखिए, अपने घर को देखिए, आपके घर में क्या हो रहा है उसे देखिए। बड़ा आसान है दूसरे के घर के विषय में चर्चा करना, दूसरे के बच्चों के विषय में चर्चा करना, दूसरे के बिजनेस के विषय में चर्चा करना, दूसरे क्या करते हैं उनके विषय में चर्चा करना बहुत आसान है। कभी अपने जहन में, अपने दिल को झांक कर देखना। प्रभु ये कहता है कि जब तेरी ही आंख में धरन है तो तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है। इसलिए क्षमा प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन की जो है वो औषधि है, वो हमारे धार्मिकता की कसौटी है। हमारा जीवन धार्मिकता यदि पनपेगी, उन्नति प्राप्त करेगी, तो सबसे पहले हमें दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा, तब हमारी धार्मिकता अच्छी समझी जाएगी। क्षमा का अधिकार भी यीशु को है। तो मसीह ने अपने अनुयायियों से, पेत्रुस से कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। योहन का 1:2 कि ईसा के नाम के कारण आप लोगों के और सारी मानव जाति के पाप क्षमा किए गए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने पेत्रुस से कहा, पेत्रुस स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे प्रदान करता हूं, तुम जिसके लिए खोलोगे उसके लिए खुला रहेगा, जिसका पृथ्वी पर निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2:38 में हम पढ़ते हैं कि क्षमा प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय जो है वो है पश्चाताप, वो है पश्चाताप। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 30:15 में लिखा है कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, तभी तुझे क्षमा मिलेगी जब तू प्रायश्चित करेगा, जब अपने भाई से करेगा, कहेगा आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी डैडा, आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी सिस्टर, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। आपको अच्छी नींद आएगी, आप आराम से सोएंगे, लोग आपकी धार्मिकता को देखकर आपको सलाम करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी धार्मिकता के चर्चे होंगे, आपके इस अच्छे काम की चर्चा होगी, क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए दास दासी और अनुयायी हैं, और जैसा उसने किया वैसा आप भी करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको 100 गुना फल प्रदान करेगा। इसलिए स्तोत्रकार कहता अध्याय 32:5 में कि अपने अपराधों को स्वीकार करना, लिखा है मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, अपना दोष नहीं छिपाया, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। उड़ाऊ पुत्र, सुंदर कहानी है प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु ने दृष्टांत सुनाया। जब तक वो होश में नहीं था उसे इन तमाम बातों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो होश में आया, सोचने लगा, विचार करने लगा, अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं इस गंदगी में नहीं रह सकता, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और पिता से कहूंगा। निर्णय लिया, ही डिसाइडेड टू गो। इसलिए आपको भी आज घर में एक निर्णय लेना होगा, नहीं मैं उठूंगा, बस हुआ, अब बस हुआ, मैंने जिंदगी भर
अपने मित्र से नफरत की है, मैंने जिंदगी भर अपनी सास या ससुर से नफरत किया है। कठिन जरूर है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, दवाई के कड़वे घूंट जो हैं आपको बीमारी से आजाद करते हैं, दवाई के कड़वे घूंट आपको क्या करते हैं, बीमारी से आजाद करते हैं। ठीक वैसे ही कठिन जरूर है, भले ही ये संभव ना हो, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी, आप परमेश्वर की नजरों में बड़े समझे जाएंगे, क्योंकि जो अपने आप को छोटा मानता है वही बड़ा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने को बड़ा मानता है प्रभु कहता है वो सबसे छोटा बनाया जाएगा, सबसे छोटा बनाया जाएगा, स्वर्ग में सबसे छोटा समझा जाएगा। तो यदि आप किसी को क्षमा कर देते हैं, भले उसने गलती की है, चाहे आपकी मेड क्यों ना हो, जिसने आज आपका ग्लास तोड़ दिया, कप तोड़ दिया और दो थप्पड़ मारे उसको आपने, उसका आपने मेहनताना काट दिया, एक तो 8,000 उसको सैलरी देते उसमें से भी आपने 2,000 काट दिए, उसके बच्चों को कौन खिलाएगा, प्रभु दरिद्र के आंसुओं को देखता है, वो हिसाब लेगा आपसे, तेरे को इतना दिया मैंने और तूने एक कप टूट जाने पर 1,000 काट लिया, एक कपड़ा इस्त्री से जल गया प्रेस करते समय तो उसका तूने उससे पैसा काट लिया। यदि मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूं तो तेरा क्या होगा। ये छोटी छोटी बातें प्यारे भाइयों और बहनों हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमें पवित्रता में बने रहने और धार्मिकता में बने रहने के लिए आशीष प्रदान करती हैं। इसलिए यदि आप बड़े होना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने छोटे हो जाइए। कैसे? अपने भाई, अपने बहन, अपने बेटे, अपनी बेटी, देवरानी जेठानी को क्षमा कर दीजिए, प्रभु उनका हिसाब उनसे लेगा, परंतु आप परमेश्वर की नजरों में अच्छे पाए जाएं, शुद्ध पाए जाएं। इसलिए संत पौलुस लिखता है अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 32 में, एक दूसरे के प्रति दयालु बने, सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर प्यारे भाइयों और बहनों मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा करता है, उसी तरह आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा कर दें। ईश्वर आपको मसीह के कारण क्या करता है? क्षमा करता है। इसलिए आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 5, यदि तुम में से हर एक व्यक्ति अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। विश्वासियों आप सुनिए, कान लगाकर सुनिए, ये वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु कहता है कि यदि तुम में से कोई भी व्यक्ति अपने भाई या बहन को संपूर्ण हृदय से क्षमा नहीं करता तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा और तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में प्रभु ने इस बात को कहा कि तुम किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। कहता है उसे डांटो, परंतु यदि आकर वो सॉरी कहता है तो आप उसे क्या कर दो? क्षमा कर दो। यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाओ और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते हुए अंगारों का ढेर लगाएंगे। कई लोग क्षमा करने में असमर्थ हैं। सुंदर वचन है, प्रभु कह रहा है रोमियो के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 20 में कि जब आप उसे क्षमा करने के लिए जाते हो और वो यदि ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी क्षमा उसके सिर के ऊपर अंगारों का ढेर लग जाएगी, अंगारों का ढेर लग जाएगी। इसलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 में, आप लोग बचना चाहते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप अब आपको उसे क्षमा और शांत बना देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुख में डूब जाए। अपने बेटे को, बेटी को, जिसने हो सकता आपके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया, आपका सब कुछ लूट लिया, आपकी वसीयत से गलती से उसने पेपर पे कब्जा कर लिया, आपके बुढ़ापे में जब आप बीमार थे
गलती से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर अब अधिकार है, आपको बेघर कर दिया है, कोई बात नहीं, प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा, प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो बाइबल कहती इस कारण आप लोग पाप ना करें, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रखें, शैतान को अवसर ना दें, शैतान को अवसर ना दें। पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 3:9, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं दें बल्कि आशीर्वाद दें, क्योंकि आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह लोग यही करने के लिए बुलाए गए हैं, आशीर्वाद दीजिए, गाली के बदले गाली मत दीजिए, आप इसी काम के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, और प्रभु ने आपको चुना है कि आप लोग एक दूसरे को प्रेम करें। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को, अपने भाई बहनों आपके कारण क्षमा करूंगा, क्षमा करूंगा, आपके नाम के कारण क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनेक लोगों के मन में, हृदयों में चोटें हैं, यीशु के कारण आज सभी लोगों को क्षमा करना। यीशु के कारण मैं अपनी बेटी को क्षमा करता हूँ, यीशु के नाम के कारण मैं अपने पड़ोसियों को क्षमा करता हूँ, यीशु के कारण मैं अपने भाई बहनों को क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि आगामी दिनों के पर्व के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और ये आपका सबसे सच्चा प्रायश्चित होगा, ये आपका सबसे सच्चा प्रायश्चित होगा, और प्रभु की क्षमा आपके जीवन में उन्नति लाएगी। प्यारे भाई और बहनों, अनेक लोगों के मन में चोटें हैं, अनेक लोग दुश्मनी से पीड़ित हैं, कुछ लोगों को हमेशा क्रोध करने की आदत है, हमेशा क्रोध करने की आदत है, क्रोध की दुष्ट आत्मा उनके जीवन में, उनके परिवार में काम करती है, क्षमा नहीं कर पाते हैं, इस बात से वे लोग पीड़ित हैं, अकेलेपन के शिकार हैं, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, बुरे विचारों को लाते हैं। कई लोग बड़े जिद्दी हैं और इस जिद्दपन की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। कई लोग बुरी आदतों के शिकार हैं, प्रभु आज उन्हें भी क्षमा करना। आप लोगों के अनेक अनुभव होंगे बचपन से लेकर अब तक, जिस जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, जिस जिस व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाई है, हो सकता है शारीरिक रूप से, हो सकता है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा हो, किसी के कारण आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, किसी की दुश्मनी के कारण आपका परिवार बर्बाद हो गया है, किसी ऐसी घटना के कारण आपके परिवार में हमेशा अशांति बनी हुई है, आपकी वासनाएं आपका जीवन बर्बाद कर रही हैं, इन अंदरूनी रोगों से आज छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना और एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना। यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ।